Hello everyone, today we are going to start refractive index. This is one of the most important topic of our chapter, that is light. Hamari light chapter ka sabse important topic hai refractive index. Aapne reflection padha iske pehle, refraction padha, aur agar nahi padha to description mein uske sare link diye hue hain, wahan se ja kar ke aap videos dekh sakte hain. Iske alawa aap playlist mein bhi ja kar ke aapko sari videos milengi jo aapke light chapter se related hai. Aaiye refractive index kya hota tha isko hum log samjhenge aur detail mein janenge ki refractive index kya hota hai. Iske pehle humne refraction jana tha, refraction. Jaise maine aapko bataya tha ki जब भी किसी भी मीडियम में लाइट एंटर करती, जैसे मान लीजिए ये हमारा है एयर, ये मैं आपको सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने आपको अलग से इसके लिए आपको मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है. ये मान लीजिए हमारा एयर है और ये मान लीजिए हमारा ग्लास है, या मान लेते हैं वाटर है, वाटर मान लेते हैं, या मान लेते हैं ये क्या है, वाटर है. अब हमारी जैसे लाइट की बीम आएगी यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारी लाइट की बीम आ रही है और जैसे सरफेस पे आएगी और यहीं से क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी, मतलब कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे कुछ हो जाएगी. ये हमारा परपेंडिकुलर था और ये क्या हो रही है, जो लाइट है वो नॉर्मल की तरफ परपेंडिकुलर तरफ बैंड हो रही है. इसी को बोलते हैं, इसी फेनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन. इसकी बातें हमने पहले आप बता चुका हूं मैं आपको. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं. ये सारी बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं. आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है, एक बात को समझ लिए कि है क्या एक्चुअली में क्या, एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि रेशियो है. रेशियो में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं. जहां पे भी कंपैरिजन की बात आती है वहां पे एक्चुअली में क्या होता है, हमारे पास एक रेशियो होता है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हमारे लिए एक रेशियो के फॉर्म में काम करता है. और क्यों काम करता है ये देखते हैं. यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि जो हमारी लाइट होती है, जो हमारी रे ऑफ पार्टिकल्स होती है, जो हमारी लाइट की पार्टिकल्स होती है, वो जैसे ही एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे उसकी जो कह सकते हैं जो उसके फोटॉन्स होते हैं, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, वो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होते हैं, तुरंत तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है. तो जो उसकी रिलेटिव स्पीड होती है कि मीडियम वन से मीडियम सेकंड कंपैरिजन में, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. आप डेफिनेशन के लिए कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ बेंडिंग व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम कैन बी मेजर्ड बाई फिजिकल क्वांटिटी नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. होता क्या है कि जैसे ही लाइट की पार्टिकल, जैसे ही लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही, वो बेंड होगी, बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में, वो बेंड होगी. तो जिस फेनोमेना को या फिर इस फेनोमेना को जिससे हम लोग मेजर करते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर बात आती है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कह सकते हैं आप इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई म्यू. कुछ लोग इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है. अगर आपको म्यू दिख रहा है तब भी आपको परेशान नहीं होना है, और अगर आपको एन दिख रहा है तब भी आपको परेशान नहीं होना है. बात समझ में आ गई. कह सकते हैं आपकी जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, म्यू से करते हैं और एन से करते हैं. ये बात समझ में आ गई. आइए हम लोग कुछ इसकी बातें देखते हैं. होता क्या है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये दो टाइप्स का होता है. आइए देख लेते हैं. ये डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा, और नहीं लिखा होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को प्रीव्यू करके आप यहाँ से उसके डिटेल्स ले सकते हैं. होता क्या है, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये क्या होता है, दो टाइप्स का होता है. मैंने आपसे कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, एक टैबुलर फॉर्म में पढ़ने में बड़ा सुटेबल कंफर्ट फील करते हैं. तो होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप्स का होता है. दो टाइप्स का क्यों होता है, एक होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आइए देखते हैं. पहला होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट समझ रहे हैं ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब रिफ्रैक्टिव, अब यहां पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, रिलेटिव मतलब होता है जहां पे हम किसी के रिलेशन में काम कर रहे हैं, किसी के रेस्पेक्ट में काम करेंगे. जहां पे हमारे पास दो मीडियम्स एक साथ होंगे और दोनों मीडियम के हमें डेंसिटी फाइंड आउट है, दोनों की मीडियम में लाइट की स्पीड फाइंड आउट है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड से काम चलाते हैं. वहां पे हमारे लिए रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है वो रिलेटिव होता है. जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए हमारा ये एयर है,
मान लीजिए हमारा ये एयर है और ये हमारा वाटर का सरफेस है, मान लीजिए पानी यहां से स्टार्ट और ये एयर का सरफेस, ठीक है। तो अब लाइट जैसे यहां से आ रही थी, लाइट यहां से मान लीजिए आ रही है, तो लाइट क्या हो रही है, बेंड हो रही है अपने पाथ से, क्या हो रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, क्या कर रही है लाइट, अपनी बेंड जब होगी तो अपनी स्पीड भी तो चेंज करेगी, स्पीड अपनी चेंज करेगी। तो जो ये बेंडिंग होता है ना, जो यहां पे बेंडिंग हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर का हो रहा है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, जो बेंडिंग हो रही है वो एयर के रेस्पेक्ट की, एयर के रेस्पेक्ट में वाटर में हो रही है। तो यहां पे क्या होगा, हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। मींस आप ये कह सकते हैं कि जहां पे हम लोग कह सकते हैं कि दो मीडियम्स होते हैं एक दूसरे के रिलेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे होता है जहां पे पहला मीडियम या कि यानी कि एक मीडियम हमारा या तो एयर होता है या तो वैक्यूम होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जहां पे हमारा एक मीडियम या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा, वहां पे हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जहां पे दोनों मीडियम हमारे कह सकते हैं कि अलग अलग होंगे, वहां पे हमारा क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यह बात समझ में आ गई, आप इसको लिख सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, कि हालांकि हम लोग इसको दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। मैं इसको पहले आपको ये बता दूं कि इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं। तो जो हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसको हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं, दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं। दो तरीके से क्या है, पहला तरीका जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था यानी कि पिछली वीडियो में देखा था, साइन आई बाई साइन आर, द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। इसको हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन वाले केस में। तो वही यहां पे क्या होता है एक्चुअल में, वही एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा साइन आई और साइन आर था, जो हमारा साइन आई बाई साइन आर था, जो कॉन्स्टेंट था, वही एक्चुअली में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट ऑफ वन। यहां पर हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया है, मैंने आपसे बताया था कि आप इसको म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हमने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट ऑफ वन, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू टू वन। यहां पे क्या हो रहा है, जो दूसरा मीडियम हमारा है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, पहले के। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो दोनों का रेशियो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू टू अपान म्यू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट ऑफ वन, ये होता है पहला तरीका। हालांकि अभी इधर जगह ज्यादा स्पेस नहीं लेंगे। एक दूसरा तरीका होता है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हमें कुछ नहीं करना होता, स्पीड ऑफ लाइट हमने पढ़ा है, हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हमारा मीडियम का होता है डेंसर होता है, जैसे जैसे हमारा मीडियम डेंसर होता है वैसे वैसे क्या होता है, जो स्पीड की लाइट होती, जो लाइट की स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होने लगती है। अगर हमारा मीडियम रेयरर है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, फिर भी ठीक होगी। अगर हमारा जो मीडियम है वो डेंसर है तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, किसके रेस्पेक्ट में, रेयरर वाले के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई। दूसरा तरीका होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, जो लाइट की स्पीड होती है उसी का रेशियो होता है। आप क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। देखिए होता क्या, एक्चुअली में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इन मीडियम वन अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट जो टू होती है, ये भी एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट ऑफ वन, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू वन। ये बात समझ में आई। दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला तरीका क्या होता है, जो हमने स्नेल्स लॉ से पढ़ा था, साइन आई बाई साइन आर से, और दूसरा क्या होता है, जो उसकी वेलोसिटी होती है उसका जो रेशियो होता है वहां से भी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। ये होता है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बातें आपके समझ में आ गई, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझिए। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि मैं यहां पर लिख पाऊं आराम से।
चलिए देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है जिसमें से एक मीडियम क्या होगा, फर्स्ट मीडियम क्या होगा, फर्स्ट मीडियम ऑलवेज विल वैक्यूम और एयर। अब यहां पे क्या होगा, जो हमारा एक मीडियम होगा यानी जो हमारा जो फर्स्ट मीडियम होगा वो क्या होगा, या तो वैक्यूम होगा या तो क्या होगा, एयर होगा। बात समझ में आई। तो अब हमें यहां पर अगर फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मान लीजिए दोनों मीडियम है ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, हम मान लीजिए हम ग्लास फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सीधे लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बात समझ में आई। अब यहां पे क्या होता है, हमारा जो एक होता है मीडियम वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। हालांकि स्पीड नहीं लिखेंगे यहां पे, वेलोसिटी लिखेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है स्पीड और वेलोसिटी दोनों में यहां पे, क्योंकि हमारी जो लाइट होती है वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। ठीक है, अब होता क्या है, स्पीड ऑफ लाइट हम लोग सब लोग जानते हैं क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, कितना होता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होती है। और स्पीड ऑफ अगर मान लीजिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर हमें फाइंड आउट हो जाए तो हम आराम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। और होता क्या है, अगर हम लोग बात करें म्यू ए जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर क्या होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है। आइए एक मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखना हमें, लाइट इन टॉस फ्रॉम एयर इन टू ग्लास, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लाइट की एंट्री हो रही है वो क्या हो रही है, एयर में से किसी ग्लास स्लैब में हो रही है। ये मान लीजिए हमारा एयर का सरफेस है और ये हमारा क्या है, ग्लास है। ये हमारा मीडियम वन है और ये मीडियम टू है, ध्यान से इस बात को समझिएगा। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट, ग्लास क्या है, प्लेट है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि हमारे पास क्या है, या तो बोले म्यू की वैल्यू या बोले एन की वैल्यू, कितनी दी गई, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अब क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, हमें क्या चाहिए, लाइट की स्पीड जानना कहाँ पे, ग्लास में। गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, तो सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, छोटे छोटे एक या दो मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना, देखते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं फाइंड आउट करना, हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। और हम लोग जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सीधे सीधे। तो हम क्या लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखेंगे मैं, अब मैं पूरा लिख दे रहा हूं, सीधे लिख दे रहा हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये मैंने v से रिप्रेजेंट किया है, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। अब देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है, 1.50, और एयर में कितनी होती है स्पीड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और हमें क्या करना है, v ग्लास में फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं किसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, स्पीड इन ग्लास इज इक्वल्स टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.50। ये बात समझ में आई, कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी ग्लास फाइंड आउट करना था, स्पीड इन ग्लास फाइंड आउट करना था, वो कितना हो जाएगा, 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अब देखिए यहाँ पे 1.5 को 3 से डिवाइड करना है ना, तो 15 दूनी दिख रहा है ना, 1.5 टू जा 3 होता तो वो सीधे सीधे आपको सीधे क्या आ जाएगा, 2 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे और अब हम लोग देखेंगे स्नेल्स ला। हालांकि कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको और कराऊंगा, एक मैं आपको अलग से क्वेश्चन की वीडियो दूंगा जिसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेकिन फिलहाल एक बार पहले हम लोग सारे टॉपिक्स को एक बार पहले कवर कर लेते हैं। आइए हम लोग देखते हैं स्नेल्स ला को।